क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके शीर्ष हमको बोला है कि एक समचतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज है। चलिए एक बना लेते हैं चतुर्भुज। हमने कहा एक चतुर्भुज बना लिया, हमने देखा समचतुर्भुज है कि नहीं, हमको सिर्फ समझने के लिए एक चतुर्भुज बना लिया, इसके नाम दे देते हैं ए बी सी डी। अब इसके निर्देशांक क्या दिया है, 3,0 एक बिंदु है, 3,0 फिर है 4,5 4,5 फिर है -1,4 -1,4 फिर क्या दिया है -2,1 -2,1। भैया समचतुर्भुज हमने सिर्फ समझने के लिए बना लिया है, समझाने के लिए, और ये मत देखना कि टेढ़ा मेढ़ा बना है। हाँ अब देखो हमको बोला क्या है कि इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, हमको समचतुर्भुज के निर्देशांक दे दिया। क्षेत्रफल निकालना तो बहुत बड़ा काम है, बहुत कठिन काम है ना, बहुत कठिन काम हो गया ये। लेकिन अगर हमको समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला पता है तो कोई कठिन काम नहीं है। समचतुर्भुज का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो भैया सूत्र क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। क्या होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। अच्छा इसके विकर्ण कौन है, देखो भाई विकर्ण कौन है, तो विकर्ण होंगे एसी और क्या होंगे बीडी। अच्छा एसी बीडी तो है, तो एसी बीडी का रखे क्या भैया, विकर्णों जब भी बोल देना विकर्णों का गुणनफल, कुल मिला के उनकी दूरी की है बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, जब उनके दूरी की बातें कर रहा है विकर्णों का क्या रखेंगे, विकर्णों की दूरी रखेंगे। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 1/2 पहला विकर्ण होगा एसी, दूसरा विकर्ण होगा बीडी, है ना, एसी गुणे बीडी। विकर्णों की बात, विकर्णों के गुणनफल चाहिए यानी विकर्णों की दूरी निकाल करके उनका गुणा करेंगे। चलिए पहले एसी की दूरी निकाल ले, एसी की दूरी फॉर्मूला याद है कि नहीं भैया, भूल गए, x2 - x1 का स्क्वायर + y2 - y1 का स्क्वायर। तो x2 एसी के लिए x2 -1 ले लेते हैं, x1 3, y2 हो गया 4, y1 0, अरे माइनस का स्क्वायर रख दिया गया वैल्यू। अब देखो -1 - 3 जोड़ के हो गया -4 का वर्ग, -4 से अगर 0 घटाए तो भैया 4 ही आएगा, -4 का वर्ग करो दिया गया 16, -4 का वर्ग 16 कितना आया √32। एसी की दूरी कितनी आ गई, √32 यूनिट √32 मात्रक, एसी की दूरी तो मिल गई है, लेकिन खाली एसी की दूरी में काम नहीं चलेगा, हमको दोनों विकर्णों का गुणा करना है। तो एसी की दूरी तो आ गई, बीडी की भी निकाले साथ में, अब बीडी की भी निकालना है, तो बीडी की दूरी हम कहां पे निकाल देते हैं, चलिए यहां पे निकाल रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं, ये सूत्र बाद में निकलेंगे। बीडी की दूरी के लिए भी फॉर्मूला यही रहेगा, दूरी सूत्र लगेगा +y2 - y1 का स्क्वायर। अच्छा x2 अब देखो बीडी के लिए निकालना है तो x1 x2 बीडी से निकालेंगे, तो चलो हम कोई भी x1 x2 मान लेते हैं दोनों से, मान लिया ये 4 माइनस, देखो माइनस इसमें भी माइनस सूत्र में भी, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, y2 5 माइनस y1 इसमें भी माइनस यहां भी माइनस तो प्लस हो जाएगा, हल कर देते हैं इसको, तो 4 2 6 का वर्ग, 5 1 6 का वर्ग, यहां से कितना आया 6 का वर्ग करेंगे 36, और यहां भी 6 का वर्ग 36, 36 36 जोड़ दो तो 36 36 हो जाएगा √72 आ गया। बीडी की भी दूरी कितनी आ गई, √72 मात्रक, अभी हमने इनको छोटा नहीं किया वही रखते हैं, हमको दोनों की दूरी मिल गई, लेकिन अब रख देते हैं समचतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालना है तो उसके क्षेत्रफल के फॉर्मूले में, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है सूत्र,
एक बटे दो विकर्णों का गुणनफल, विकर्ण है एसी गुणे बीडी, एक बटे दो एसी, एसी कितना आया है रूट बत्तीस आया है, रूट बत्तीस रख लेते हैं। बीडी, बीडी क्या आया है, बीडी आया है रूट बहत्तर, बहत्तर रख लेते हैं। अब यहां से हमको दो रास्ता है, हमारे पास देखो दो रास्ता है। पहला रास्ता है कि इसको थोड़ा छोटा कर ले, दोनों को छोटा कर ले, देखें कितना बन सकता है। या तो फिर दूसरा रास्ता है कि हम सबका लाभ से गुणनखंड कर ले। चलिए पहले ऑप्शन में चलते हैं, वो ज्यादा आसान लग रहा है। जैसे बत्तीस है ना, बत्तीस को अगर और छोटा करें तो बन जाएगा सोलह, दो से आठ, दो से चार, दो से और काटो तो ये दो एक। देखो इस दो का जोड़ा बना, इस दो का जोड़ा बना, जिनका जोड़ा बन गया उसको बाहर लाओ, जिसका जोड़ा नहीं बना उसको अंदर रखो। तो दो दूनी चार, चार में दो का करो, यहाँ पे चार, देखो इनका जोड़ा बन गया बाहर आ गए, इसका जोड़ा नहीं बन रहा, तो इसको हम लिख सकते हैं चार अंडर रूट दो। लिख देते हैं एक बटे दो, बत्तीस को लिख दो चार अंडर रूट दो, बचा क्या बहत्तर, बहत्तर को भी छोटा कर लेते हैं, बहत्तर को भी छोटा कर लेते हैं। यहां से एक चीज देखो, बहत्तर है ना, हम बहत्तर को छत्तीस दूना बहत्तर होता है लिख सकते हैं, दो अंडर रूट छत्तीस लिख सकते हैं, दो गुणे छत्तीस अंडर रूट। अच्छा छत्तीस किसका वर्गमूल है, छह का, तो छत्तीस का हमको वर्गमूल पता है, छत्तीस छह का है, तो इसको छह अंडर रूट दो लिखना दे। हमने यहां से डायरेक्ट थोड़ा कर दिया, अगर चाहो तो लासा लेके भी निकालोगे तो छह अंडर रूट दो आएगा, तो हम बहत्तर की जगह पर छह अंडर रूट दो रख लेते हैं। अब इनको गुणा करना है, तो रूट के जो बाहर है बाहर वाले से गुणा करो, रूट के अंदर वाले का अंदर वाले में गुणा करो, तो एक बटे दो, देखो चार का छह से बाहर वाले का बाहर से गुणा, छह चौको चौबीस गुणे रूट दो, रूट दो। अगर कोई संख्या रूट के अंदर है समान संख्या है तो वो डायरेक्ट रूट के बाहर निकाल के रख दी जाती है। अब देखो एक बटे दो से इस दो को काट दे तो बचा क्या, चौबीस, क्या बचा, चौबीस बचा, यही क्षेत्रफल हो गया। मगर जब भी क्षेत्रफल निकालोगे पीछे यूनिट लगाना जरूरी है, अब यूनिट तो हमको इनको पता नहीं है क्या है, तो हम यूनिट नहीं पता है तो हम अपने से बना के लिख देते हैं चौबीस वर्ग मात्रक। आ गया समचतुर्भुज का भी क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल एक छोटा सा सूत्र याद कर रखना है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है एक बटे दो दोनों विकर्णों का गुणनफल, और उस सूत्र में जो भी विकर्ण है उनकी दूरी निकाल करके रख देना है।